वेलकम स्टूडेंट, बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंतर्गत हम दो प्रश्न पत्र पढ़ेंगे। इसमें पहला प्रश्न पत्र कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। मैं आपको आज संविधान, ब्रिटेन के संविधान के ऊपर चर्चा करूंगी। ब्रिटेन का संविधान अपने आप में एक अनोखा संविधान है। जैसा कि आपको विदित होगा, किसी भी देश का शासन और राजनीतिक व्यवस्था वहाँ के संविधान के अनुरूप संचालित होती है। यह स्थिति ब्रिटेन में भी लागू होती है। राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासन का संचालन संविधान के अनुरूप ही किया जाता है। ब्रिटेन के संविधान के स्रोत की यदि हम बात करें तो 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 का अधिकार याचना पत्र, 1689 का अधिकार पत्र, संसदीय अधिनियम, न्यायपालिका दिए हुए न्यायिक निर्णय और रीति रिवाज और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं की यदि हम बात करें तो ब्रिटेन के संविधान की पहली विशेषता है विकसित संविधान। ब्रिटेन का संविधान लिखित और निर्मित संविधानों की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि इसका निर्माण ना तो किसी संविधान सभा ने किया है और ना ही ये लिखित या निर्मित है। इसीलिए इस संविधान को विकसित संविधानों की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इसका विकास धीरे धीरे परंपरागत स्वरूप में विकसित हुआ है और आज भी जारी है। दूसरी विशेषता के रूप में हम देखेंगे अलिखित संविधान। ब्रिटेन के संविधान को अलिखित इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका अधिकांश भाग अलिखित है, परंतु इसमें कुछ विद्वानों ने इसको अर्धलिखित संविधान की संज्ञा भी दी है, क्योंकि इसमें संसदीय अधिनियम, न्यायिक निर्णय, अधिकार पत्र जैसी कुछ चीज़ें लिखित रूप में भी विद्यमान हैं। तीसरी विशेषता के रूप में ब्रिटेन के संविधान को लचीला संविधान माना जाता है, क्योंकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत सरल है। जिस प्रकार से सामान्य कानून पारित होते हैं, ठीक उसी प्रकार से संविधान में संशोधन भी होते हैं। इसीलिए संविधान संशोधन में कोई इतना दिक्कत नहीं आती वहाँ पर, और इसीलिए संविधान को लचीले संविधान के रूप में माना जाता है। चौथी विशेषता के रूप में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर दिखाई देता है, अर्थात संविधान के अंतर्गत कुछ विशेषताएं जैसी दिखाई देती हैं, व्यवहार में वैसी नहीं है। जैसे मैं अगर बात करूं तो ब्रिटेन में वैधानिक रूप से सम्राट का पद है, राजतंत्र शासन प्रणाली है, परंतु संविधान के अंतर्गत जो बात की गई है वो मर्यादित राजतंत्र की है, जिसमें सम्राट की शक्तियां सीमित और एक मर्यादित सीमाओं के अंतर्गत हैं। नेक्स्ट विशेषता के रूप में यदि हम लें तो संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली ब्रिटेन में प्रचलित है, और इस विशेषता को संसदीय शासन वाले देशों ने ब्रिटेन से अपनाया है। इसीलिए ब्रिटेन के शासन को संसदीय शासन व्यवस्था का जनक भी कहते हैं। ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी भी माना जाता है। इसके अंतर्गत शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है, और इस रूप में ब्रिटेन में नाममात्र के शासक के रूप में सम्राट है और वास्तविक शासक के रूप में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से बनती है और उसी के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट विशेषता के रूप में संसद की सर्वोच्चता दिखाई देती है ब्रिटेन के अंतर्गत। ये भी कहा जाता है कि संसद के दोनों सदन मिलकर यदि सम्राट के मृत्यु आदेश को भी पारित कर दें और उसे सम्राट को प्रेषित करें तो सम्राट को उस पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। अर्थात ये बात इस बात को दर्शाती है कि ब्रिटेन की संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को ना तो न्यायपालिका चुनौती दे सकती है ना सम्राट। संसद जो कानून बनाती है वो सर्वोपरि है। नेक्स्ट विशेषता के रूप में ब्रिटेन में विधि का शासन है, अर्थात
कानून का शासन लागू होता है। इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को समान माना जाता है और कानून के उल्लंघन पर व्यक्ति दंड का भागी होता है। कानून की दृष्टि में सभी समान हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो और वो चाहे एक सामान्य नागरिक हो। नेक्स्ट विशेषता के रूप में ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली लागू होती है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के माध्यम से शासन का संचालन होता है। यद्यपि स्थानीय शासन की इकाइयां प्रचलित हैं और शासन सुविधा की दृष्टि से अनेक इकाइयां बनाई गई हैं, परंतु केंद्र द्वारा दिए गए आदेश और निर्देश के अनुसार शासन का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट विशेषता के रूप में मिश्रित शासन प्रणाली है। ब्रिटेन के शासन में राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र का मिश्रित स्वरूप दिखाई देता है। राजतंत्र के रूप में सम्राट है, कुलीन तंत्र के रूप में लॉर्ड सभा है और प्रजातंत्र या लोकतंत्र के रूप में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद कायम है। अगली विशेषता के रूप में ब्रिटेन में बहुत लंबे समय तक द्विदलीय शासन प्रणाली प्रचलित रही, जिसमें अनुदार दल और मजदूर दल दो पार्टियां थीं, परंतु वर्तमान में एक लोकतांत्रिक पार्टी का अस्तित्व भी दिखाई देता है। नेक्स्ट विशेषता के रूप में नागरिक अधिकार पत्र हैं। ब्रिटेन के नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, भाषण देने, शस्त्र धारण करने जैसी अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं। यद्यपि ये अधिकार के लिए एक अधिकार पत्र लाया गया और इसके माध्यम से ये अधिकार पत्र दिए गए हैं। संवैधानिक रूढ़ियाँ और परंपराएं ब्रिटेन के संविधान का एक महत्वपूर्ण आधार है और ये परंपराएं इतनी प्रबल हैं और इतनी सशक्त हैं कि इन्हें संविधान के एक भाग के रूप में जाना जाता है। मेरे को लगता है कि मैंने आपको ये जो सभी तत्व बताए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। मैं इसके साथ आपको इसी टॉपिक के नोट्स भी प्रोवाइड करा रही हूँ, आप इनको पढ़िए और अगर आपकी कोई भी क्यूरीज है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।